वैसे तो आजकल अधिकतर बैंकिंग के काम ऑनलाइन ही होते हैं, तमाम बैंकों की सर्विसेज मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है, लेकिन कई काम ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको बैंक का चक्कर लगाना पड़ता है। अब इसके लिए जुलाई से आपको बता दें कि बैंक छुट्टियों का कैलेंडर जरूर चेक कर लीजिएगा अगर आपको बैंक जाना है तो। जुलाई 2024 की बात करें तो इसमें कुल 12 दिन ऐसे होंगे जब बैंक बंद रहने वाले हैं। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी परियोजना का निर्माण 6 महीने के अंदर शुरू होने की उम्मीद है और इससे 50,000 रोजगार पैदा होंगे। यूपी सरकार का कहना है कि इससे लगभग 7 लाख लोगों के लिए नौकरी के अवसर पैदा होंगे। सरकार के बयान के मुताबिक इस परियोजना का काम 6 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा और 3 साल के अंदर यहाँ फिल्म शूटिंग से जुड़ी गतिविधियां भी शुरू हो जाएंगी। केरल जल्द ही स्कूलों से रिटायर्ड शिक्षकों का एक शिक्षक बैंक तैयार करेगा। इस स्कूल का मकसद होगा कि कैसे टीचर्स के ज्ञान का सही इस्तेमाल किया जाए। राज्य सरकार ने बताया कि शिक्षा विभाग इसी साल इस प्रक्रिया को शुरू करेगा। आपको ये भी बता दें कि केरल पहला ऐसा राज्य होगा जहां शिक्षक बैंक शुरू किया जाएगा। नेशनल मेडिकल कमीशन ने त्रिपुरा के अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें 100 से बढ़ाकर अब 150 करने को लेकर मंजूरी दे दी है। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने यह जानकारी दी है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि इस कदम से राज्य में मेडिकल के छात्रों को डॉक्टर बनने के अधिक अवसर मिल सकेंगे, साथ ही अलग अलग तबकों तक हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंच सकेंगी। राजस्थान में विकसित इलाकों में घर लेना अब और भी महंगा हो जाएगा। जयपुर में जमीनों की सरकारी कीमतें यानी कि डीएलसी दरें बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इसे लेकर जयपुर में अहम बैठक हुई जिसमें 15% तक दरें बढ़ाने पर चर्चा हुई और अनुमोदन हुआ। इसके अलावा जिन जगहों पर ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा वहां डीएलसी रेट ज्यादा बढ़ेगा। अब इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भिजवाया जाएगा, वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही नए रेट लागू होंगे।